सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिनमें आज के दिन बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है। सो इन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजी के बारे में। सो KPIT टेक में आप देख पाएंगे फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन हमें 2% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। बात करें एक मंथ से स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई। इसके पीछे का दो रीज़न है। पहला रीज़न की अगर बात करें Q1 के नंबर आए थे वो आउटस्टैंडिंग, और दूसरा रीज़न की बात करें आपने देखा होगा KPIT टेक्नोलॉजी है, उसके मैनेजमेंट ने एक ही ग्रुप के 4 कंपनी को हमें खरीदते हुए देखने को मिला। इसी वजह से स्टॉक में हमें और भी जो रैली है और भी हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्टॉक आगे जाके आपको और भी ये जो रैली है और भी कंटिन्यू होते हुए दिखाते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें अगर आप एक इन्वेस्टर हो, खास करके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर और खुद से बाजार सीखना चाहते हो, तो ये पॉइंट आप लोगों को देखना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें रिजर्व की, क्योंकि 2019 के बाद ये लिस्टिंग हुई थी 19 में, तो आप देख पाएंगे 2018 के जो रिजर्व है वो हमें माइनस में देखने को मिला, क्योंकि तब जो कंपनी थी बहुत छोटी कंपनी थी, तब कंपनी के पास इतने इनकम नहीं होते थे। उसके बाद देखा इनकम इंक्रीज़ हुआ तो 650 करोड़ के आसपास रिजर्व हुआ, फिर 750, फिर 780, अब लगभग 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास नेट रिजर्व देखने को मिल जाता है। रिजर्व दोस्तों आप एक तरह से बोलते हो सेविंग्स, जो कि हर साल में ग्रो ही होते हुए देखने को मिला। इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कंपनी की जो इनकम है या नेट प्रॉफिट है वो ऊपर ही जा रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के ऊपर क्या कोई कर्जे है लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम की बात करें पहले कुछ भी नहीं थे, उसके बाद उन्होंने लिया। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको, अगर बिजनेस को जल्दी ग्रो करना है, जल्दी बड़ा बनाना है अपने बिजनेस को, तो आपको पैसे के रिक्वायरमेंट तो चाहिए, तो पैसे छोटी कंपनी के पास ज़्यादा तो होते नहीं है, तो बैंक के सहारा लेना पड़ता है, लोन के सहारा। तो लिए थे 37 करोड़ के आसपास। फिर जैसे बिजनेस से प्रॉफिट कमाए, फिर थोड़े से कम किए डायरेक्टली 3 करोड़, फिर बात करें 2 करोड़ 40 लाख, फिर अब लगभग ऐसा बोल सकते हो 2.25 करोड़ के आसपास। तो लगातार कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो लगातार अपने जो कर्जे हैं उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो नो डाउट आने वाले टाइम में आप ऐसा बोल सकते हो 1 से 2 साल के अंदर कंपनी अपने जो डेट फ्री कंपनी भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। सो अगर बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की, अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए ना अगर आप इन्वेस्टर हो तो। नो डाउट अगर आप एक ट्रेडर हो, सिर्फ ट्रेडर, तो नो डाउट ये आपको टेक्निकल वाइज न्यूज़ वाइज इस हिसाब से आपको ज़्यादा आपको फोकस रखना है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, एटलीस्ट कंपनी करती क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम पे कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ कैसा रहेगा, साथ साथ कंपनी के स्टॉक प्राइस में किस हिसाब से मोमेंटम हो सकता है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल आप लोग खास करके पता होना चाहिए। आप देख पाएंगे KPIT टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, क्या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, देन अगर बात करें मोबाइलिटी, देन अगर बात करें लैपटॉप टावर ऑटोमेशन क्लीन स्मार्ट, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि आप देख पाएंगे ऑल एंड डिजिटल सॉल्यूशन KPIT टेक्नोलॉजी, साथ साथ ये तो हो गया दोस्तों बहुत शानदार बिजनेस मॉडल, लेकिन सिर्फ इंडिया ही में नहीं और भी दूसरे हमें कंट्री में इसके प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि अगर बात करें यूरोप, US, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो नो डाउट दोस्तों सिर्फ इंडिया में नहीं, एक ऑल ग्लोबल में इनके प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। सो नो डाउट कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही शानदार है, लेकिन आप देखते हैं कि कंपनी कमा कितनी रही है। अगर कंपनी कमा ही नहीं पा रहेंगे या फिर कंपनी कमा रही है लेकिन एक्सपेंस में सारे पैसे जा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, स्टॉक प्राइस आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। सो और उस जाने से पहले एक पॉइंट, इनकम के ऊपर जाने से पहले एक पैरामीटर, जो 41% रेवेन्यू दोस्तों US से और यूरोप से हमें आते हुए देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो हमें डॉलर के टर्म में देखने को मिल जाता है, ये बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ ये फिर दूसरे कंट्री में हमें प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, वो भी ऐसे डेवलप कंट्री में, जो कि बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि कभी भी इन कंट्री में कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो इसके इम्पैक्ट भी आपके इसके बिजनेस में या फिर इसके रिजल्ट पे आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। सो अगर बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो 18,000 के आसपास तो हाई बनाए थे 800, अभी लो चल रहा है 660, तो कुछ थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन स्मॉल कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में तो इतना तो वोलेटाइल रहेगा, वो भी ऑल टाइम। सो अब आ चुके दोस्तों सबसे मेन की पॉइंट के ऊपर, 90% दोस्तों इस चीज़ों का आप देखना आ गया आपके पास, मतलब 90% रिसर्च आपने ऑलरेडी कर ली, कंपनी इनकम कितनी करे। जैसे मैं बताया 2019 से लिस्टिंग हुए, तो आप डायरेक्टली सेल्स को भी देख सकते हो, पहले 600 कमाते थे आज से 4 साल पहले, अब 2,500 के ऊपर वो जा चुके हैं। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहले 100 के नीचे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता था, अब लगभग 500 के आसपास जा चुके हैं। तो नो डाउट जिस कंपनी ने 4 साल में इतनी ग्रोथ दिखाया, उस स्टॉक के प्राइस भी आपको 4 साल में इतने ही मल्टीप्लाई से ग्रोथ दिखाते हुए देखने को बिल्कुल ज़रूर मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस बार की भी नंबर की बात करें, आउटस्टैंडिंग नंबर आया तब से मैं बोल रहा हूँ स्टॉक को 450 से आप बाय करो, आप देख पा रहे हो क्या नंबर दिखाए। ईयरली बेसिस से बीट करना इसको तो हम मान सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली, हर क्वार्टरली को बीट करना दोस्तों इतने ईजी नहीं है,
जिस जो कि इस कंपनी ने करके दिखाया। तो नो डाउट ऐसी कंपनी को बिंदास कंटिन्यू कर सकते। सो इस टाइम पे अगर किसी भी स्टॉक को लेके एक साल की ग्राफ देखोगे तो आपको माइनस में रिटर्न देखने को मिलेगा, जबकि ऐसे स्टॉक आपके एक साल में पैसे डबल कर चुके, वो भी 800 का स्टॉक 660 पे आने के बाद। बीच में स्टॉक 650 तक आए थे, तब से मैं स्टॉक को बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के नंबर इतने स्ट्रॉन्ग है। तो नो डाउट ये कंपनी और भी जाके और भी बड़ी कंपनी बन सकते हैं, और ये जो रैली है और ये जो आपका रिटर्न है और भी ग्रोथ होते दिखाते हुए देखने को आपको जरूर मिल जाएगा। सो अब बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 3 से 3.5 सालों में 5-6 गुना पैसा कर चुका है, और सिर्फ यहाँ पे कोई डीएन नहीं है, ये कंपनी और भी बड़ी कंपनी बन सकती है। सिर्फ अभी तो 18,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, ये कंपनी 1-2 लाख के भी बन सकता है। ये तो नंबर देख के हमें पता चलेगा कंपनी के बिजनेस में कैसे ग्रोथ है। तो नो डाउट कंपनी में बने रहना, आगे जाके कंपनी आपको और भी शानदार रिटर्न दे सकता है। अभी तक फ्रेश बाई नहीं किया तो होल्ड कीजिए, Q2 का नंबर स्टार्टर हो चुका है, नंबर देखिए अगर फ्रेश बाय करोगे तो सबसे बेस्ट है। लेकिन जिनके पास भी आप चाहो तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना, लॉन्ग टाइम में दोस्तों ये कंपनी आपको और भी शानदार रिटर्न जरूर दे सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एमटार टेक्नोलॉजी बहुत शानदार कंपनी, बहुत कमाल की कंपनी है, फिर भी बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों ये ग्राफ। बीच में स्टॉक ने लगभग 1300 के आसपास स्टॉक थे 2560 के टॉप बनाए, उसके बाद बहुत से लोग तेजी देख के स्टॉक को बाय किया, फिर जब स्टॉक नीचे आए क्योंकि बाजार नीचे है और 1-2 नंबर खराब मतलब ओके दिखाए, तो बाजार जब नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉस बुक करके निकल चुका है, बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं। तो उनको मैं इतना कह चुका दोस्तों, आपने कंपनी के बारे में बिना रिसर्च किए, बिना कंपनी के बिजनेस मॉडल देखे कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है, कंपनी के फ्यूचर टारगेट क्या हो सकता है स्टॉक प्राइस के, ये सारी चीज़ें देखे बिना आप स्टॉक में निवेश किए और लॉस में बेचने के बारे में सोच रहे, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कंपनी बहुत दमदार है। और ये पैरामीटर दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप SIP वगैरह कर रहे हो दूसरे एडवाइजर के थ्रू तो अलग बात है, लेकिन खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाजार में तो ये पैरामीटर आपको देखना आना चाहिए, तभी आप बाजार में टिक पाओगे। बहुत पुरानी कंपनी है, जैसे 1977 में बिजनेस देखने को मिल जाता है, मैन्युफैक्चर करते हैं किस चीज़ में, वेरियस मशीन इक्विपमेंट असेंबलीज और बाकी सारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें जैसे स्पेस पार्ट, एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग। तो नो डाउट कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है आउटस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल है, और आपको पता है ये सारे बिजनेस मॉडल है इसको सरकार कितनी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, तो ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ साथ न्यूक्लियर की बात करें 26% रेवेन्यू हमें जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट है, पैसा बोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें जैसे मार्केट कैप, बहुत छोटी कंपनी 5,000 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है, तो नो डाउट यही कंपनी दोस्तों अगर कभी जाके 30-40,000 करोड़ की मार्केट कैप बन जाती है, यानी कि एक मिड कैप थोड़ा बहुत लार्ज कैप कंपनी की, तो ये जो आपको अभी 1500-1600 की प्राइस देखने को मिल रही है, ये आपको बहुत 10-12,000 के भी टारगेट देखने को आपको जरूर मिल सकता है। हाई का आप देख पाओगे 50, जैसे मैंने आपको बताया 2560 के, अभी 1500 के, खुद सोच पहले तो ये 1250 तक भी गए थे, तब से मैं बोल रहा हूँ होल्ड कीजिए, कंपनी की है कंपनी बहुत दमदार। तो स्मॉल कैप कैप में ऐसा होता है इजीली स्टॉक आधा हो जाएगा और इजीली स्टॉक इस लेवल से भी आपको 2-3 गुना रिटर्न दे देगा। अगर बात करें कंपनी के साल बाद साल की ग्रोथ, पहले कंपनी कुछ खास नहीं कमाते थे, 2018 से इसके हमें प्रॉफिट जनरेट होते देखने को मिला, क्योंकि जो छोटी कंपनी होते हैं वो जितने कमाते हैं आप देख पा रहे हैं जितने कमा रहे उतने वो खर्चे हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी ने कमबैक किया 54, 58, इस चीज़ को आप ग्राफ को स्टडी कर सकते हो। तो लगातार कंपनी के हमें जो रिटर्न या जो इनकम है या नेट प्रॉफिट है वो हमें ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर इस बार की नंबर की बात करें हमें ओके देखने को मिला, लेकिन नो डाउट ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एटलीस्ट मैंने इतना सोचा था लगभग 30 के आसपास होना चाहिए था, तब जाके कंपनी में एक ऑल टाइम हाई आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो नो डाउट ये चीज़ आपको अच्छी कंपनी आगे जाके ये जरूर दिखा देगा, और बहुत एक न्यू कंपनी, अगेन मैं करूँ सिर्फ इतना ही पैरामीटर नहीं, और भी सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारे कैश फ्लो, बहुत सब कुछ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, लेकिन बहुत सारे ओके इसलिए मैं इस चीज़ को कवर नहीं किया। आप चाहो तो सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर सकते हो, लेकिन जितने भी मैंने पैरामीटर दिखाए ये पैरामीटर भी अगर आप देख के किसी स्टॉक को निवेश करोगे इतना तो जरूर कह सकते हो आपके पोर्टफोलियो में कोई खराब स्टॉक तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपने बाय किया तभी आप ये प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ रहा है। छोटी कंपनी है, अभी अभी लिस्टिंग हुआ 1.5 साल हुए, होल्ड कीजिए, ये कंपनी आगे जाके अगर 30-40,000 करोड़ के मार्केट कैप बन जाता है जो कि इसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, तो खुद सोचना यहाँ से आपके पैसे भी 1,000 से या फिर कितने कई गुना मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो अगर आपके पास है चाहो तो लॉन्ग टाइम के लिए जरूर होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाय के लिए इतना कहना चाहूँगा, Q2 के नंबर स्टार्टर हो चुका है, नंबर देखे अगर बाय करोगे तो सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। द नेक्स्ट स्टॉक है हमारा BSE लिमिटेड। सो BSE लिमिटेड में बहुत सारे लोग परेशान हो चुके क्योंकि 6 मंथ से स्टॉक में हमें सिर्फ ढलान, करेक्शन और करेक्शन ही देखने को मिला, जो कि
35% से भी ज़्यादा, और एक साल की बात करें दोस्तों, एक साल में 40% रिटर्न तो ज़रूर है, लेकिन जो टॉप बनाए थे 1050 के आसपास, अभी करंट लेवल देखोगे तो 45% से ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने टॉप पे बाय किया वो पैनिक हो चुका है, किस लिए बाय किया, क्योंकि स्टॉक में रैली आया था और बोनस के चलते स्टॉक में और भी ज़्यादा रैली आया। तो प्लीज़ होल्ड कीजिए, एक मोनोपोली कंपनी, 8000 से ज़्यादा कंपनी इसमें लिस्टेड है BSE एक्सचेंज में, शानदार कंपनी, स्टॉक मार्केट आगे जाके ग्रो करने वाला है, ये स्टॉक भी प्राइस पे ग्रो ही करने वाला है, तो प्लीज़ होल्ड ज़रूर कर लेना। सो कैंपैक्स की बात करें, इसमें आपने देखा होगा मर्जर से रिलेटेड हमें न्यूज़ देखने को मिला, न्यूज़ उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जो मर्जर होगा उससे उनके रेवेन्यू में कोई भी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद भी स्टॉक में अच्छे खासे रैली आ रहे हैं, अच्छे स्टॉक है, अभी अभी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिला, तो इसको फोकस में जरूर रखना, नंबर भी डिटेल में स्टडी जरूर कर लेना। जिनके पास भी लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करना है दोस्तों, इसमें इतना पोटेंशियल है कि बाटा और रिलायंस को भी ये बीट कर सकते हैं, ये तो हमें नंबर ही बताएगा। देन अगर बात करें आखिरी स्टॉक की, अर्फिन इंडिया लिमिटेड, तो इसमें बहुत बड़े अपडेट निकल के आ चुका है, एक के बदले 10 शेयर, अगर पास एक शेयर है तो इसके बदले 10 शेयर दिया जाएगा, अगर पास 20 शेयर तो इसके बदले 200 शेयर दिया जाएगा। कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इतने खास नहीं है, लेकिन पुराने शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। सो कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो की कोई पार्ट अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।